ಬಂದಿದ್ನ ಮಗಳ ನೀ ಚಪುರ ಐತೆ ನೀರು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो मैं अभी जस्ट उठी हूँ, ब्रश करके हो गया हेड डन और अभी मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, आई मीन फ्रूट्स बनाना खा लेती हूँ एंड देन योगा करना है एंड योगा करके होने के बाद आई विल डू नाश्ता। दस मैं उठी थी 9, मैं टाइम पास करते करते 1 घंटा हो गया और अभी 10 बज गए। सो अभी मैं योगा स्टार्ट कर देती हूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो करती हूँ। और अभी ठंडी भी शुरू हो गया है, मतलब अभी ठंडी लग रहा है, बीच में बारिश गर्मी हो रहा था बट अभी फाइनली कल से थोड़ा थोड़ा ठंडी लगना स्टार्ट हो गया है। सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सो दिस योगा इज वेरी गुड फॉर एसिडिटी प्रॉब्लम। सो आपको करना है ब्रीद इन एंड आपको ब्रेथ को स्टॉप करना है, आपको बेंड करना है टूवर्ड्स योर राइट एंड जैसे आप ऊपर उठोगे आपको ब्रीद आउट करना है धीरे धीरे। तो ये योगा करने से मुझे तो रिलीफ मिला, मींस मेरा एसिडिटी प्रॉब्लम मुझे बहुत हुआ करता था तो थोड़ा बहुत अभी कम है, मुझे तो रिलीफ मिला। सो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। योगा हो गया हेड डन, अभी मैं जा रही हूँ किचन में, देखते हैं आज नाश्ते में क्या बना है। सो मम्मी इज हियर, मम्मी हाय बोल। हाय। सो आज नाश्ते में शायद से चिकन है, चिकन और ब्रेड, मतलब इसलिए मतलब चिकन को भाजी जैसा बनाते हैं, कांदा टोमेटो मिर्ची का पाउडर ये वो सब डाल के देन मम्मी ब्रेड के ऊपर लगा के उसको टोस्ट करके मुझे देती है, मुझे वो पसंद है। तो ये पहले मैं चपाती के साथ खाती थी, मतलब चपाती में रोल करके देती थी बट आजकल मम्मी ब्रेड में दे रही है। क्यों आई ब्रेड तो कोका मरानी करना दिन शनिवार करना दिन अंचन एंड को काल आ गया डेट को को ओ डैडी इज हियर। हाय बोलो। हाय नहीं बोलते तो दादा उन था। डैडी प्लांट्स को उठा रहे हैं, होश में ला रहे हैं और आज लगता है किसका तो शादी है, इधर गाड़ी वाड़ी सजा रहे। सीजन इज ऑन, मध में कितना शादी हुआ कुछ दिनों में, बाप रे बाप गिनती नहीं है। पर अपुन को एक शादी की इनविटेशन नहीं है, दिसंबर में ना, नवंबर में मालूम है देखो कितना जन का शादी हुआ, कितना जन नवंबर में, दिसंबर में 9 तारीख को दो शादी है अपना, चाली में भी है, चाली में किसका, वो शैली का। अच्छा। और दोड्डा मक्का लड़की का लड़का दूर का रिश्तेदार, दूर का नहीं रे बाबा। क्या दूर का, इसका डोडा मका क्या, किसका डोडा मका लड़का लड़की का लड़का का, डोडमा का लड़की का लड़का का शादी है 9 तारीख को। सो मम्मी जाने वाली तू, मम्मी का डिमांड है, मामी गई तो जाएगी ना, इसको अकेला अकेला लगेगा ना उधर, इसके लिए मामी को भी कन्विंस कर दी कि बजे बजे बोले। हाँ ये बात है ना, अभी अकेली घर पे क्या करेगी यार, तो नहीं पसंद है मालूम है शादी में जाना, शादी में जाना पसंद नहीं। एक तो मैं उधर किसी को जानती नहीं, उसको तो उधर भूत के जैसा बैठना पड़ता है एंड सेकेंड थिंग कोई मिल गया। हाँ देना मगर मैंने छपू रहते ऐसा कोई गलती से बोल दिया फिर मेरा हट जाता है। अरे पन पे रंचा, इसके लिए मेरे को पसंद है। पहले मैं इनसिक्योर थी मेरे पतलेपन से, मैं अभी नहीं हूँ, मतलब अभी कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, पहले मैं ऐसी थी हाँ मैं पतली लग रही क्या, मैं ऐसी लग रही हूँ क्या वैसे, बट अभी थोड़ा बहुत वो कम हो गया है। आपका ऐसा टी शर्ट चाहिए क्या? नहीं टी शर्ट वो मंत्र तो टूट रहा है पांच छह ना। मैं डैडी का टी शर्ट आजकल डालने लगी, डांस का वीडियो कर रही थी तो डैडी का ही कपड़ा डालती हूँ, मेरे पास कपड़ा ही नहीं है ना। हेल्प ही रहा है कपड़ा जिम में। सुना है कोरोना वापस स्टार्ट होना, कोरोना नहीं स्टार्ट होने दूसरा कुछ आने वाला है साउथ अफ्रीका से, हो गया लॉकडाउन होने वाला है क्या? कुछ तो है साउथ अफ्रीका का, कुछ तो है लेकिन उन लोग को छोड़ते क्यों इधर आने को, वो तुम कुछ इधर नहीं।
लगातार गुंजा हाँ, फिर हजार बार बोल चटका लगा मेरे को, चटका लगा इतना जोर का बच्ची लगती तू रॉड की बनी है ना, सब माँ लोग रॉड के बने, माँ लोग को चटका नहीं लगता है। अफ्रिका कडून येणारा कोरोना आहे या दॅट इज लिस्निंग न्यूज क्या होमी कोरोना का नाम है वो जेता रहा भी नहीं, ऐसा लग रहा सो गया आप बिना मास्क वाले को 5,000-10,000 फाइन है। जा नहीं सकती क्योंकि लिए मेरा डोज हो रहा है 2nd या 3rd तारीख को ऐसा कुछ, मतलब 3 तारीख को, सो मैं तो किधर जा नहीं सकती, पर 2 को मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं बाहर मतलब बाजार में, फैन बंद लाइट बंद हाँ ये मेरे से घाई घाई करवा रही है वाईफाई। मैं और मम्मी जा रहे हैं बाहर बाजार में मामी के साथ, और मम्मी को लहंगे के लिए धागा भी लेने का है, सो वही सब भाजी वाजी लेने का इनको, सो मैं सोचा मैं भी जाती हूँ घर पे बैठ के, क्या बोरी हो रही थी। ఫుల్ గా తంగ ఇద్దరు వస్తుంది అయ్య అబ్బా వాకింగ్ దే ఇల్లర్ కుమని కొకదా వీర్ వాకింగ్ అవుతురు కప్సే ఓకే నేను కుదిన లవర్ మనే रियली लव महाराष्ट्रियन फूड, तो कभी कभी हम यहाँ से ना भाजी सब ले लेते हैं, दिस इज पोली भाजी केंद्र, यहाँ पे घर पे जैसे बनाते ना वैसे महाराष्ट्रियन फूड मिलता है, एंड ये जो आप देख रहे हो दिस इज जस्ट फॉर 30 रुपीज। अंकल बाजार पोत बत्ता इल्ला मुटिया। मैं और दीदी गए थे, कल संडे था तो मैं और दीदी ऐसे ही बाहर निकले थे, हम लोग गए थे डोंबिवली ईस्ट, और चलते 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 वो जहाँ पे बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ रहता है पानी पूरी का, स्पेशली पानी पूरी का शेव पूरी उसका बहुत बड़ा स्टॉल लगा रहता है, लाइन से कितना सारा है, उधर चाइनीज वो सब भी था, मसाला डोसा ये वो, और फिर आगे टर्न मारते ना जहाँ पे वो मंदिर है बड़ा सा, वहाँ पे बेल्जियन वॉफल्स हमने खाया, और मैं फर्स्ट टाइम गई थी उधर, मैं कभी गई नहीं क्योंकि मैं आई एम नॉट इनटू टू मच ऑफ स्वीट, मतलब मैं ज़्यादा स्वीट खाती नहीं हूँ, तो मैंने कभी ऐसा ट्राई करने का सोचा ही नहीं, तो फर्स्ट टाइम गए उसमें से हम लोगों ने मैंने फर्स्ट वो लिया था, मतलब दीदी के फ्रेंड ने लिया था, दैट वॉज कोको आलमंड नहीं कोको बटर आलमंड वॉफल, और वो खाते ही इतना वो अम्बट था, मतलब टैंगी सा था, कुछ तो अलग ही था, आप देखोगे कि मैं कैसा मुंह बना रही हूँ खा के। देन उसने लिया था ओरियो शेक विच वॉज सॉल्टी, मतलब इतना नमक था ना उसमें, मतलब मैं वो पीने ही नहीं हुआ, बट दीदी ने जो लिया ना वॉफल्स चॉकलेट का था वो अच्छा था, बट वो भी मैं खा नहीं पाई बिकॉज वो बहुत मेरे लिए बहुत मीठा था, वो भी मैं खा नहीं पाई, सो या हम लोग उधर ही गए थे, और मैं तो स्पेशली बाहर निकली थी पानीपुरी खाने, सो हम आ गए पानीपुरी खाने। देन तो मैंने तो सीधा पानीपुरी खाया जो मेरे को पसंद है लाया, ये दिस इज़ फॉर लहंगा, दिस इज़ फॉर दीदी के लिए, दिस इज़ फॉर माय टॉप, ये टॉप मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से 2 दिन पहले ही कुछ आया था, और मेरे को ऐसा गले का कब से चाहिए था ऐसे स्क्वायर शेप का, और बट मुझे सिर्फ पसंद जो नहीं आया वो ये कि ये लेस मुझे पसंद नहीं आया, ज़्यादा बहुत शाइनी लग रहा है, सो ये मुझे पसंद नहीं आया, इसके लिए मैं मम्मी को बोली कि इसको ऐसा अंदर फोल्ड कर दे या कुछ काट दे इसको, कुछ तो कर दे, ये नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए वो धागा लेके आया ताकि वो मैच हो, सो देखते हैं इसको फिक्स कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस पर मैच ही नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है।
सो मुझे आपको ये दिखाना था जो हमने बाजार से छोटा फूल लिया था 10 रुपीस का, उसका देखो इतना बड़ा सा हार बन गया है जो मम्मी ने बनाया है। तो मम्मी ने बनाया है होममेड पीनट बटर। मैंने उस दिन उसको रेसिपी भेजा था कि होममेड पीनट बटर कैसे बनाते हैं, सो वो मम्मी ने बनाया है। किधर गया? ये है वो पीनट बटर जो मम्मी ने बनाया है होममेड। देखो क्रीमी क्रीमी।